नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आप सभी लोग अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ अपने घरों में कुशल पूर्वक होंगे। और शहरों में पड़ रही है जबरदस्त गर्मी और हमें लग रही है यहाँ जबरदस्त ठंड, क्योंकि पिछले 36 घंटे से नहीं हुई है यहाँ बारिश बंद और हम लोग डूबके हुए हैं अपने घरों में, क्योंकि बाहर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। घर के जो कुछ महत्वपूर्ण काम है, जैसे जानवरों को पानी पिलाना, उनके लिए घास की व्यवस्था करना, उन सब कामों के अतिरिक्त सब लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं और बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं है, क्योंकि बारिश बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है। और मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रखा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मुसीबतों का भी सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। मैंने कल एक ब्लॉग बनाया था बारिश पे, ये इतनी बारिश कहाँ से आई, तो फिर मुझे मैसेज आने लगे मेरे उस ब्लॉग पर कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इतनी बारिश कहाँ से आई। तो मैं लोगों की भावनाओं को समझ सकता हूँ कि आप लोग शहरों में कितने परेशान होंगे गर्मी के कारण, लेकिन यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है आप देख सकते हैं, ये देखिए चारों तरफ कोहरे से ढका हुआ है और लगातार बारिश हो रही है। और मैं इस समय थोड़ा अपने घर से ऊपर आ रखा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो व्यू दिखेगा वो क्लियर दिखेगा, लेकिन मैंने ये सोचा था, लेकिन अब मैं ऊपर आया तो यहाँ से देखा कि यहाँ तो पूरा ही कोहरे से बंद हो रखा है। लेकिन जो भी हो, हम कह सकते हैं कि मौसम काफ़ी अच्छा है, तो ये तो हमारे लिए एक सुकून देने वाली बात है कि मौसम इस समय काफ़ी अच्छा हो रखा है और गर्मी का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है इन पहाड़ों में। लेकिन समस्या ये है कि खेती में जो हमने मेहनत की थी, और आपने वो ब्लॉग से भी देखे होंगे, जितनी भी मेहनत की थी हमने, तो इस बारिश ने वो सारी मेहनत पूरी तरह से धो दी है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ से कि किस तरह से जो ये बारिश है लगातार होने के कारण खेतों में पानी बुरी तरह से भर चुका है। और आप नीचे देख सकते हैं खेतों में कि कितना पानी भरा हुआ है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, खेतों में कितना पानी भरा हुआ है और बिल्कुल लबालब बन रखे हैं खेत। तो आज सुबह मैं भी जल्दी उठ गया था, लगभग 5 बजे के करीबन, लेकिन 5 बजे के बाद बारिश इतनी तेज़ थी कि माँ भी जो है गौशाला में जाने का साहस ना कर सकी। और मुझे लग रहा है गाँव की जितनी भी महिलाएँ रही होंगी उनके साथ भी ये समस्या ज़रूर आई होगी, क्योंकि बारिश जो थी बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो मॉर्निंग में गौशाला में जाना पड़ता है पालतू पशुओं को घास देने के लिए और गाय का गुइल करने के लिए, गुइल मतलब उसका दूध निकालने के लिए। तो इस तरह की समस्याएं सामान्य हैं। अब जैसे यहाँ बारिश हो रही है तो अब दिक्कत क्या आती है कि लकड़ियों की दिक्कत आती है, जो जलाने वाली लकड़ियाँ होती हैं। अधिकांशतः वैसे घरों में गैस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लंबे समय तक गैस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो इस वजह से जो जलाने वाली लकड़ियाँ हैं वो भी गीली हो चुकी हैं। और जो हमारे पालतू पशु हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हो रही है हरी घास की, क्योंकि यदि मैं आपको यहाँ अपने बैक साइड में दिखाऊं इधर, तो ये देखिए खेतों में कितनी हरी घास हो रखी है, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, लेकिन इस घास को काटने के लिए समय चाहिए और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि खेतों में घास काटने के लिए भी नहीं जाया जा रहा है। तो इसलिए पालतू पशुओं को भी हम सूखा चारा ही दे रहे हैं, सर्दियों में सूखी घास सूखा करके रखी जाती है, तो उसको हमने अंदर कमरों में रखा होता है और फिर उसी घास में से कुछ थोड़ा थोड़ा भाग निकाल करके इन जानवरों को खाने के लिए दिया जा रहा है। तो इस तरह से केवल इंसानी नहीं बल्कि जो हमारे पालतू पशु हैं उनको भी इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और ये है सामने हमारा गाँव, उसको भी कोहरे ने अपनी आगोश में ले रखा है हल्के हल्के, और एक कोहरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और बारिश का तो पूछिए मत, कुछ सेकंड के लिए भी नहीं रुक पा रही है ये बारिश। जो बरसात की बारिश होती है उसकी बात कुछ और होती है, वो इसलिए क्योंकि वो बारिश जो होती है धीरे धीरे होती है,
जिसे हम झमाझम बारिश कहते हैं, लेकिन ये बारिश जो है इसकी गति बहुत ज़्यादा है और इससे जो है नदी नाले और जो हमारे गांव की नदी है उसमें भी काफ़ी पानी बढ़ गया है, जिसको कि हम घटा चौड़ा घटा रोल कहते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो अगर हम सबसे ज़्यादा मुसीबत की बात करें तो उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी भेड़ बकरियां होती हैं और वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भेड़ बकरियों को जंगल में ले जाना भी किसी खतरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जंगल में भूस्खलन होता है और जब कोहरा ज़्यादा लग जाता है तो जंगल में फिर जंगली जानवरों का भी खतरा बढ़ जाता है। तो इस वजह से उन लोगों को भी काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और अपनी भेड़ बकरियों के लिए फिर उन्हें घर में व्यवस्था करनी पड़ती है कि कुछ उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाए। तो हम लोग अपने घरों में रहते हुए इस बारिश की चुनौतियों को स्वीकार भी कर रहे हैं। कुछ समस्याओं के साथ हमारे लिए यह मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग गर्मी का सामना कर रहे होंगे शहरों में, इसलिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। तो अब आपने हमारा ब्लॉग इतना देख ही लिया है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहाड़ की संस्कृति और यहाँ के रीति रिवाज, खान पान और यहाँ के वातावरण के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे फिर एक नए ब्लॉग में कुछ नई चटपटी गपशप के साथ। तो तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।